एंड साथ में आता है मोमो। तो मोमो इस कैफ़े का काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, और एक मोमो जो है जो कि इस कैफ़े का स्पेशल है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैफ़े स्पेशल हाइलाइटेड भी किया हुआ है, जिसका फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रांची ब्लॉगर शिवांगड़ियार। गाइस तो मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का प्यारा होस्ट शिवांगड़ियार। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपने जा रहा हूं एक सब्सक्राइबर से मिलने, साथ ही होगा एक और बढ़िया कैफे का रिव्यू प्लस एक परफेक्ट ब्लॉग। तो अभी आप देखने वाले हो, और पीछे ये मेरा किचन, इस पे गौर मत करना। तो अभी फिलहाल बज रहे शाम के 6 बजने वाले, ऑलमोस्ट एक दो मिनट बाकी है 6 बजने में। तो अभी फिलहाल मैंने अपना चेहरा वगैरह धो लिया है, तो अब मैं फटाफट से कपड़ा पहनता हूँ और फटाफट से चलता हूँ, बिकॉज मुझे 7 बजे अपने पापा को उधर से लेके भी आना है। तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा का समय है, और मुझे यहाँ से लगभग जाना है 6 से 7 किलोमीटर दूर, और बीच में मिलेगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, रांची के ट्रैफिक से होके गुजरना है, और अभी शाम का समय है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होगा। तो चलिए यार, बिना बकवास के ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 11 minutes later. तो फाइनली दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूँ देवरानी कॉम्प्लेक्स, जो कि है लालपुर चौक के पास। तो अभी फिलहाल मैं देवरानी कॉम्प्लेक्स में, और इसी कॉम्प्लेक्स में है सर्कल कैफे, जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है, यानी आज है 4th of August, वो 2 तारीख को ओपन हुआ है। तो अभी फिलहाल मैं वहीं पे हूँ, और यहाँ जस्ट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ रोड दिख रहा होगा वो देखो। तो आगे जाकर 100 मीटर पे लालपुर चौक है, तो काफ़ी प्रसिद्ध चौक है रांची का लालपुर। चलिए आइए मैं आपको अपने चलता हूँ कैफे के अंदर। तो कुछ ऐसा ये दिखता है बाहर से कैफे, ये कुछ इसका आउटसाइड से लुक है, बाहर से लुक है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बट ठीक ठाक है। आप अपने कुछ दोस्तों के साथ आ सकते हो, बिकॉज ये भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब ये सक्सेस करेगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है मेरे ख्याल से। तो चलिए आइए अब कैफे के अंदर इन करते हैं हम लोग। तो जैसे ही आप कैफे में इन करोगे, आपको ठीक यहाँ पे दिख जाता है, जैसा कि ये एंट्रेंस है कैफे का, और साथ ही में यहाँ पे आपको बुक सेल्फ दिख जाएंगे, जिसमें कुछ बुक्स पड़े हैं। ये पड़े नहीं, ये बहुत ही खास बुक्स है, जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे आगे भैया से, जिस भैया ने मुझे यहाँ पे बुलाया, उन्हीं भैया से हम लोग अभी जानेंगे इन बुक्स के बारे में, ठीक है ना। और आपको ठीक हमारे सामने दिख जाता है एक सोफा, जहाँ पे आप बैठ के कुछ भी चीज़ सेट कर सकते हो, और साथ ही में यहाँ पे टेबल है छोटा छोटा, जिसपे आप रख सकते हो अपना कोई भी जो भी चीज़ आप ऑर्डर करोगे। और साथ ही में यहाँ पे आपको दिख जाता है ये छोटे छोटे स्टूल, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं पेंटिंग्स दीवार पे, तो ये कुछ यहाँ पर डेकोर है अंदर का, तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और साथ में यहाँ पे लाइटिंग भी दी गई है, देख सकते हो आप। थोड़ा सा मैंने आपको इंटीरियर दिखाया, तो अभी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ का मेन्यू। तो चलिए मेन्यू देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस कैफ़े का नाम लिखा हुआ है सर्कल कैफ़े, साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉफ़ी है, और सबसे पहला ये है कैपेचिनो, जिसका कॉस्ट, एक मिनट थोड़ा सा इसमें धुंधला, 39
एंड अमेरिकनो ब्लैक कॉफ़ी 39, फिर मोचा, मतलब कॉफ़ी की तीन वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ ही में हम लोग नीचे आएंगे तो ये है टी की, सबसे पहले मिलेगा मिल्क जिंजर कार्डमन, जो कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं अदरक वाली चाय। साथ में सेकेंड है मसाला टी, थर्ड ब्लैक टी, फोर्थ है लेमन टी, साथ में है फिफ्थ ग्रीन टी, और सबका कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, और साथ में कॉफ़ी का भी एक बार आप देख लो। और साथ में नीचे में है ये बर्गर, तो सबसे पहले है क्लासिक आलू टिक्की बर्गर जो नॉर्मली आते हैं, जिसकी कॉस्ट है 49 रुपीज़, आलू टिक्की चीज बर्गर जिसकी कॉस्ट है 69 रुपीज़, चिकन बर्गर जिसका कॉस्ट है 89 रुपीज़, एंड लास्टली चिकन चीज बर्गर जिसका कॉस्ट है 109 रुपीज़। ठीक है ना, ये था बर्गर टी, जिसमें चार वैरायटी है बर्गर में, और टी में है 1, 2, 3, 4, 5 है टी 5, एंड सैंडविचेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वेज सैंडविचेज हैं, वेज चिली चीज सैंडविचेज, चिकन सैंडविच, चिकन चीज सैंडविच, एक सैंडविच, एक चीज सैंडविच, मतलब वेज एक और चिकन है, तीन है, बट उसमें उनका हो गया 6-7 वैरायटी, और साथ ही में ये इसका कुछ कॉस्ट है, देख सकते हो आप 6 वैरायटी है टोटल, और साथ में लास्टली आता है ये मैगी, तो सबसे पहले है प्लेन मैगी, देन मसाला मैगी, उसके बाद है बटर मैगी, चीज़ मैगी, पनीर मैगी, चिकन मैगी, एंड लास्टली एग मैगी। तो ये काफ़ी बढ़िया और काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव दिखने वाला मेन्यू है, तो आप आसानी से पसंद कर सकते हो, ज़्यादा वैरायटी ना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाओ, ज़्यादा वैरायटी नहीं रखा गया है। तो चलिए फिलहाल कुछ ऑर्डर करते हैं, हालांकि भैया बोल रहे कि आज वेज कुछ बचा नहीं है, जबकि पहले से पता था कि किट्टू आने वाला, फिर भी वेज कुछ भी बचा के नहीं रखे हैं, कुछ तो बचा देना था मेरे लिए। तो क्या हुआ ना कि आज यहाँ पे सिर्फ नॉन वेज ही है, वेज नहीं है। वैसे भी मैं नॉन वेज नहीं खाता, और ऊपर से अभी सावन भी चल रहा करेंटली, और रेगुलरली भी मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं क्या ही ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी ऑर्डर करेंगे आपको बताएंगे। और मैं यहाँ आया हूँ एक भैया के थ्रू, जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर है और साथ ही भैया भी है, तो उन्होंने मुझे बुलाया है, तो उन्होंने पार्टनरशिप में ये कैफे खोला है, तो उन्हीं का वीडियो आज ये बन रहा है। तो चलिए अभी जुड़े रहिए, आगे बातचीत भी करेंगे उनसे, ठीक है ना। और साथ में ये दूसरा मेन्यू है जो कि थोड़ा साइड में रखा हुआ था, तो मैं आपको दिखाना नहीं पाया। तो अभी यहाँ पे है पिज्ज़ा जो कि इंडियन क्लासिक, एंड साथ में आता है मोमो। तो मोमो इस कैफे का काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, और एक मोमो जो है जो कि इस कैफ़े का स्पेशल है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैफ़े स्पेशल हाइलाइटेड भी किया हुआ है, जिसका नाम है झोल मोमो। तो मैंने अभी पूछा कि झोल मोमो है, तो भैया ने बताया कि ये नॉन वेज में है, वेज ख़त्म है, मतलब जो चिकन मोमो होता है ना वही है, वेज मोमो नहीं है। तो मैं अभी इसको नहीं ऑर्डर कर रहा हूँ, बाद में अगर मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो वो ऑर्डर कर सकते हैं, और मैं उनके साथ आ सकता हूँ, या फिर जब वेज मोमो होगा ना, झोल मोमो, वेज झोल मोमो, तब मैं आऊँगा और आपको खा के बताऊँगा यहाँ का टेस्ट। और साथ में यहाँ पे नीचे में फ्राइज, यहाँ पे नॉर्मली फ्रेंच फ्राइज है, और फ्रेंच फ्राइज पेरी पेरी एंड स्प्रिंग रोल जो कि एक नॉन वेज है। तो ये था मेन्यू, ये दो मेन्यू था जो आप पूरा देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं भी कुछ ऑर्डर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं क्या ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया है बर्गर का, वेज आलू टिक्की बर्गर, तो वही बन रहा है अभी। और ये जो भैया को देख रहा है ना, यही भैया है, ये मेरा सब्सक्राइबर भी है, प्लस भैया तो लगते ही है, तो इन्होंने ही अपने कैफे के बारे में मुझे बताया और मैं आज वीडियो बनाने पहुंच गया। तो भैया थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, जान रखना शिवांग किट्टू आया है आपके द्वार, हर कस्टमर भगवान होता है। बात तो सही है। तो जब तक अपना बन रहा है तब तक आइए कुछ बुक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ भैया ने बताया था कि यहाँ पे मतलब जैसे कि झारखंड में ट्राइबल्स लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर यहाँ पे लिखी गई बुक्स मिलेगी हमें। तो जैसा कि यहाँ पे एक देख सकते हो, आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन, वंदना टेटे, जो लिखा गया है वंदना टेटे है,
ये रहा किचन का फोटो और जो भी है सब चीज़ लिखा गया है बायोग्राफी। तो चलिए पहले थोड़ा बैठे बैठे इसको पढ़ लेते हैं, बिकॉज इस कैफ़े की ये एक खासियत है और दूसरी है झोल मोमो। तो झोल मोमो मैं अभी ट्राई नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज वो फ़िलहाल अभी नॉन वेज में है, वेज ख़त्म हो गई है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। मैंने अभी ये किताब खोला, पर ये किताब काफ़ी क्या बोले काफ़ी या फिर जो भी आप बोल सकते हो इसकी कहानी काफ़ी बड़ी है, तो मुझे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से तो अपने स्कूल का बुक्स और यहाँ तक ये भी नहीं पता कि कॉलेज कब खुलेगा और क्या कॉलेज में बुक चलेगा, तो ये सब मैं क्या पढ़ूँगा। पर जो किताब पढ़ने में रुचि रखते हैं वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। मतलब दिख रहा था देखो काफ़ी बढ़िया इसको भी डेकोर किया गया, जैसा तो देख सकते हो आप। ये रहा मतलब थोड़ा थोड़ा लाइब्रेरी वाला फील दिलाता है ये कैफे। और साथ में जो देख सकते हो ना कुछ कुछ यहाँ पे खास है, जैसे ये जो मुझे लगा कि ये नॉर्मली प्लास्टिक का बॉटल होगा, बट नहीं ये ग्लास है, कांच की बोतलें हैं। एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ, तो काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। और साथ में यहाँ पर देख रखा गया और ये छोटी छोटी काफ़ी बढ़िया लग रही है पौधे जो लगाए गए हैं, अच्छा दिख रहा। और यहाँ पे एक दीवार का काफ़ी बढ़िया पेंटिंग बनाई है, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया दिख रहा। मतलब कैफे वेल डेकोर है और साथ में एक कोने में यहाँ पर डस्टबिन है, बिकॉज खाने के बाद गंदगी ना फैलाए, रांची और पूरे पृथ्वी को स्वच्छ बनाए, ऐसा सबको करना चाहिए। यहाँ पे बटर अपना पैन पे डल गया है। तो क्या है ना कि एक्चुअली अभी कोई कस्टमर नहीं है और भैया और हम एक तरह से भाई भाई जैसे हो रहे हैं, तो अभी पूरा किचन तक का ब्लॉगिंग जारी है यहीं से लाइव। पूरा भैया प्रेम से कुक कर दे रहे हैं मेरे लिए, पूरा प्रेम से बना रहे हैं। और ये गया अपना बर्गर बटर में। हाँ गई, तो यहाँ पे दोस्तों अपना बर्गर आ चुका था और मैंने दो वाइट ले भी लिया है। तो काफी देखो ये इस तरह से सर्व किया जाता है यहाँ पे, मतलब बड़ा सा ट्रे है, उसमें ये टिश्यू पेपर के बीच में बर्गर और काफी बटर डाला गया हुआ, तो काफी टेस्टी लग रहा है। और साथ में एक टमाटो केचप देख सकते हो, काफी बढ़िया लग रहा है, सॉलिड जिसे खाते हैं। 11 minutes later. तो अभी मैंने बर्गर खाया और थोड़ा सा मैं बाहर आ चुका हूँ, बिकॉज अंदर कैफे के अंदर चल रहा है एक वेडिंग फोटोशूट, तो शायद वहाँ पे वेडिंग फोटोशूट भी होता है, तो कुछ लोग आए हैं फोटोशूट कराने, वही अंदर पे चल रहा है। बस अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था इसलिए बाहर आ गया हूँ, लेकिन मुझे एक बर्गर और खाने का मन कर रहा है, बिकॉज मेरे जो सब्सक्राइबर भैया ने इतना अच्छा बनाया ना, क्या ही बोले, फिर से एक ऑर्डर करने का मन कर दिया। तो वो लोग बाहर निकलेंगे, उसके बाद मैं फिर से एंटर करूंगा और उसके बाद हम लोग बर्गर खाएंगे फिर से। और ये कैफे जो है ना भैया बोले 10 बजे बंद होता है, तो ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 8:03 हो रहे हैं, 23 दिखा रहा है, इट मीन्स 8:03। तो अभी देखते हैं 9 बजे तक यहाँ से निकलने का कोशिश करेंगे, चाहे 8:30 तक, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। A few moments later. तो अभी मैं निकल के वापस जा रहा हूँ और मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत इच्छा था, पर मैं पी नहीं पाया बिकॉज अंदर में अभी भी फोटोशूट चल रहा है और 9 बजने को आया, तो घर भी जाना है अपने को। और अभी अपन पहुँच चुके हैं पार्किंग एरिया और यहाँ पर अपना गाड़ी पार्क है, तो बारिश भी हल्की हल्की आने शुरू हो गई है, जैसा कि आप डैशबोर्ड पर पानी की बूंदें देख सकते हो, तो बारिश भी हल्का हल्का चालू है। तो फटाफट से घर चलते हैं बिकॉज रात के 9 बजने वाले हैं। तो ये हम लोग न्यूक्लियस मॉल से गुजरते हुए और ये है न्यूक्लियस मॉल, अपन लोग अभी नाइट आउट पे, बाबा नाइट आउट पे। तो अभी फाइनली दोस्तों बारिश हल्का हल्का आने लगा है,
और लगभग मैं अपने घर से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर, मतलब लगभग 4 किलोमीटर दूर हूँ। फिलहाल हूँ मैं अभी रातू रोड के पास।